नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप की हीलिंग पर। ठीक है, रिलेशनशिप हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है दोस्तों, और अगर किसी से भी हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। सो पहली बात दोस्तों, कि जब हम किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं तो वो बंदा भी हमारे बारे में निगेटिव सोच रहा है। भले हम लोग एक शब्द भी ना बोलें, लेकिन हमारी वाइब्रेशन उस बंदे तक पहुंच रही है और उसकी वाइब्रेशन भी हमारे पास आ रही है। सो कई बार हमें लगता है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए दो लोगों का साथ बैठ कर बात करना ज़रूरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं देखती हूँ कि साथ बात करने गए थे आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बातें एक दूसरे को नहीं पता थी कि अगला बंदा उनके बारे में सोच रहा है, वो बातें भी पता चल जाती हैं। और उसमें तीन चार जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनसे भी बातें होती हैं, तो उसमें और रिश्ता ख़राब हो जाता है। सो बेटर है कि रिश्ते को अपने और उनके तक सीमित रखें, जो भी बातें हैं उनके और अपने तक सीमित रखें। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप होपोनो प्रेयर यूज़ करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर आप सुबह सुबह उठ जाएं और उस बंदे को विजुअलाइज करें या उनकी पिक्चर सामने रखें और उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे कि जो भी गलती मुझसे हुई है, जो बात आपको बुरी लगी है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और आप इसको लगातार करें, फिर आप जैसा चाहते हैं रिलेशनशिप उसे विजुअलाइज करें कि इस बंदे से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल परमात्मा की आपकी कृपा से हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा ब्यूटिफुल हो गया है। ठीक है, इसके साथ मैं आज आपको एक स्विच वर्ड देती हूँ, और वो स्विच वर्ड है क्लोरीन। इस स्विच वर्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करें। आप इसका एनर्जी सर्कल भी बना सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। एक गोला बनाएं, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोस में सिखाया है एनर्जी सर्कल की। क्लोरीन लिखें, अपना नाम लिखें और उस बंदे का नाम लिखें जिससे आप रिश्ता हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और इसे अपने रूम में ब्रॉडकास्ट कर दें। आप इसे अपने बेड के नीचे रख करके सो भी सकते हैं। पानी में क्लोरीन क्लोरीन चैंट करके 108 बार पी भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इस स्विच वर्ड का यूज़ करें और अपने रिलेशनशिप को हील करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, अगर हम व्यक्तियों के लिए ग्रजेस रखते चलेंगे तो हमारा हृदय जो है वो गंदा होता जाता है, हमारी अंतरात्मा दुखी होती जा रही है, उसने मेरे साथ ऐसा। क्योंकि ज़िंदगी है दोस्तों, कभी किसी से कोई बात हो सकती है, शायद ऑफिस में हो सकती है, घर में भी हो सकती है, पति पत्नी में भी हो सकती है, लेकिन खुश रहने के लिए हल्का होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप हल्का रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, और खुश रहने के लिए माफ़ करना और चीज़ों को भूलना बहुत ज़रूरी है। सो फॉरगिव करते चलो और जीवन में हंसते मुस्कुराते चलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।